दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में। दोस्तों विशेष प्रकार की अपनी कुछ मोटरें बची हुई थी और एक एक करके हम उन सबको पढ़ते जा रहे हैं। अभी तक हमने तीन विशेष प्रकार की मोटर पढ़ी है, जिनमें से स्टेपर मोटर, रिलक्टेंस मोटर और स्ट्रेसिस मोटर, ये तीन मोटरें अपनी कंप्लीट हो चुकी है। आज चौथी मोटर के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है सराज मोटर। अगर आपने वो लास्ट मोटर्स के बारे में नहीं पढ़ा तो प्लेलिस्ट में आप जाइए और वो सभी क्लासेज को भी ज़रूर देखिएगा, अच्छी मोटर्स है। क्योंकि आजकल रिलक्टेंस, स्ट्रेसिस, स्टेपर मोटर के क्वेश्चन आने लग गए हैं। आज अपने पढ़ेंगे इस नई मोटर के बारे में, तो आप सभी लोग ज़रूर जुड़े। वीडियो को अभी से कर दीजिएगा लाइक प्लीज़, और सतीश मेरे भाई आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिए, ठीक है? हाँ, सतीश चंद्र कौशिक है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करना। आपने मेंबरशिप ज्वाइन कर ली, वो व्हाट्सएप नंबर वहाँ दिए हुए हैं, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, सॉरी कम्युनिटी टैब में जाइए, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेंगे, ठीक है? और उस व्हाट्सएप पर आप कॉन्टेक्ट कीजिए, वहाँ से आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है? ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग जरूर वीडियो को लाइक करते होंगे। नहीं करते कुछ एक वो तो मुझे भी पता है, जो नहीं करते उनका हमारे पास भी डेटा रहता है किसने नहीं किया, पर आप लोगों से उम्मीद है कि जिनको टॉपिक अच्छा और पसंद आता है तो जरूर लाइक कर दी करें। आ जाओ भाई, टॉपिक शुरू करते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है, आराम से पढ़ना। छोटी छोटी बातें करेंगे, मोस्टली मोटर की संरचना पर बात करेंगे, कार्यप्रणाली पर बात करेंगे, उपयोग लास्ट में याद दिला देना, भूल जाऊं तो वो बताएंगे, और बस डायरेक्शन वायरेक्शन टॉर्क वर्क कैसा होता है इसी पर टिका हुआ है सारा, ठीक है? तो आ जाइए सभी लोग। देखो मोटर को इंग्लिश में बोलते हैं सराज मोटर, ठीक है? ओके, यहाँ से दिख रहा होगा सबको। और वास्तव में इस मोटर का नाम सराज ही रखा गया है, और कहते हैं कि स्वीडन के कोई वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी रिकवरी खोज मान लीजिए है ना, 1911 में KH सराज नाम के कोई वैज्ञानिक थे, स्वीडन के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस मोटर के बारे में स्पेसिफिकेशन दिया था, इसलिए इस मोटर का नाम ही सराज मोटर रख दिया, यानी उन साइंटिस्ट महोदय के नाम पर ही रख दिया। चलिए दोस्तों, सबसे पहले इस मोटर की परिभाषा पर बात करते हैं। तो ये एक बेसिक मोटर है और इंडक्शन मोटर का प्रकार है, लेकिन इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर की श्रेणी में ये आती है। यानी अगर परिभाषा के तौर पर हम लोग बताना चाहें तो ये इन्वर्टेड पॉलीफेज इंडक्शन मोटर है। दोस्तों इन्वर्ट शब्द का मतलब होता है व्युत्पन्न हिंदी में, यानी जिसमें अपोजिट होता हो एक के रेस्पेक्ट में दूसरे में। इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर मतलब ये मोटर इंडक्शन मोटर की जस्ट इन्वर्टेड यानी अपोजिट है। अपोजिट होने का मतलब अब ये तो हो नहीं सकता कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में है तो ये यांत्रिक को विद्युत करती होगी, नहीं, मोटर है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, लेकिन इसमें जो अपोजिशन है वो अपोजिशन ये है कि स्टेटर रोटर जो होते हैं इनमें वाइंडिंग अलग होती है, यानी कि स्टेटर रोटर भाग इसमें भी है, लेकिन जैसे इंडक्शन मोटर के स्टेटर पर मेन वाइंडिंग होती है उसको हम सप्लाई देते हैं, वो घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, रोटर उसका उपयोग करता है, रोटर में स्लिप फ्रीक्वेंसी वाला EMF होता है, फिर टॉर्क उत्पन्न होता है जिसकी वजह से रोटर घूमता है। स्लिप रिंग मोटर के जस्ट अपोजिट इस मोटर में रोटर पर प्राइमरी वाइंडिंग होती है, रोटर को हम तीन स्लिप रिंग के थ्रू सप्लाई देते हैं, रोटर अपना रोटेटिंग फील्ड बनाता है जिसकी वजह से स्टेटर में इंजेक्ट या स्लिप फ्रीक्वेंसी वाला EMF आता है, और उस EMF से रोटर पर बल लगता है, फिर रोटर अपनी रोटर गति पर भी घूमता है। यानी सराज मोटर में सिंक्रोनस गति, रोटर गति दोनों रोटर की ही होती है, इतना सा अंतर है। दोस्तों बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन है इसकी। सबसे पहले हम एक डायग्राम के थ्रू आज इसकी संरचना पढ़ेंगे, फिर ही आपको इसकी प्रॉपर कार्य प्रणाली समझ में आएगी। इस मोटर में टोटल तीन वाइंडिंग होती है,
और जैसा कि आप सबने नाम सुना होगा, ट्रांसफार्मर में एक वाइंडिंग थी, याद आया क्या? टर्शियरी वाइंडिंग थी ट्रांसफार्मर में, हम सब ने पढ़ा भी था उसको। इसमें भी यही होता है, मेन वाइंडिंग होती है या प्राइमरी वाइंडिंग होती है, और यूं कहो कि सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। इन दोनों के अलावा एक थर्ड वाइंडिंग और भी होती है जिसका नाम है टर्शियरी वाइंडिंग। ठीक है, ओके भाई, मेरे माइक और मैं आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि मैं मोबाइल से चलाता हूं, आप लोगों को पता होगा, तो इस मोबाइल में ही प्रॉब्लम होगी मेरे हिसाब से, तो मोबाइल चेंज करके देखते हैं एक बार। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल माइक मैंने तीन मंगवा लिए, तीनों ही काम नहीं कर रहे, ऐसा थोड़ी होगा। एक ये ब्लूटूथ वाला मंगवा लिया, ये भी काम नहीं कर रहा, तो ऐसे तो हो नहीं सकता। तो थोड़े दिन सपोर्ट करो, कुछ जरूर करेंगे आवाज़ का भी। ठीक है, हालांकि 90% लड़कों को तो पूरा पूरा सुनाई देता है, जहां तक मेरा मानना है, कुछ एक है जिनको नहीं सुनाई देता। ठीक है, देखो बात करेंगे इसकी संरचना पर एक एक करके, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको वही समझने वाली बात है इसमें। ठीक है, अलग से और कुछ भी नहीं है। देखो सबसे पहले जब हम लोग देखेंगे तो हमें एक रोटर शाफ्ट दिखाई देगा, और ये है अपने रोटर की शाफ्ट। ठीक है, इस रोटर शाफ्ट पर आप लोगों को ऐसे तीन स्लिप रिंग के सेट दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, और इस स्लिप रिंग सेट के बाद में आप लोगों को यहां पर एक वाइंडिंग दिखाई देगी जिसका नाम है प्राइमरी वाइंडिंग। और ध्यान दीजिएगा, रोटर पर की जा रही है ये वाइंडिंग, रोटर स्लॉट के सबसे निचले भाग पर प्राइमरी वाइंडिंग होती है, मेन भाग पर यही होती है। रोटर में जो खांचे होते हैं उस पर दो वाइंडिंग होगी, यहाँ नीचे सबसे नीचे की मैं बात कर रहा हूँ, उस वाइंडिंग में ये है, इसको बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। ये बिल्कुल थ्री फेज वाइंडिंग की तरह ही है, इसमें भी हम तीन फेज की ही सप्लाई देंगे, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ही डेवलप होगा, नीचे की तरफ बात कर रहा हूँ, समझ रहे होंगे ना, सबसे नीचे की बात कर रहा हूँ। कहते हैं कि इसी रोटर के ठीक ऊपर यहाँ पर आपको वो एक और एक्स्ट्रा वाइंडिंग हमें देखने को मिलेगी, जो इस मोटर में अलग से होती है, सामान्यतः किसी मोटर में नहीं होती। दोस्तों बात करेंगे मोटर क्यों आई है, भाई हमारे पास स्क्रल केस इंडक्शन मोटर थी ना, अच्छी खासी चल रही थी, क्या प्रॉब्लम है, कोई ज़्यादा मेंटेनेंस की भी ज़रूरत नहीं थी, केवल बेयरिंग होते हैं, टाइम टाइम पर उनमें ल्यूब्रिकेशन यानी ग्रीसिंग करते रहो और कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो उसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कम होता है, इसलिए हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर ले आए, स्टार्टिंग टॉर्क बेटर तो डीसी मोटरों का था, वो लाते फिर, क्योंकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में भी स्लिप रिंग, ब्रूस और बेयरिंग तीन हो गए, और यही इधर ठीक कम्यूटेटर, ब्रूस और बेयरिंग डीसी मोटरों में होते हैं, तो ज़्यादा टॉर्क के लिए हम उधर भी तो जा सकते थे। बट प्रॉब्लम ये हुई कि हर जगह डीसी प्रोवाइड नहीं थी, तो चलो ठीक है हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर ले आए, उसमें थोड़ा सा मेंटेनेंस बढ़ गया, टाइम टाइम पे स्लिप रिंग ब्रूस की हमें जांच करनी होती है, प्रॉपर कॉन्टैक्ट उनका चेक करना होता है, कोई बात नहीं। फिर ये क्यों लाए, जब हमारे पास सब कुछ हो गया, तो जब सब कुछ था तो ये मोटर क्यों आई। सबसे बड़ी चीज ये थी कि स्लिप रिंग इंडक्शन हो या स्क्रल केस इंडक्शन हो, हमने अपनी मनमर्जी तरीके से इनसे टॉर्क तो प्राप्त कर लिया, लेकिन इन दोनों का पावर फैक्टर लैगिंग ही होता है। इस मोटर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हम इस मोटर की स्पीड कंट्रोल और पावर फैक्टर दोनों अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, और वो डिपेंड करता है ब्रूसों की फेज डिस्प्लेसमेंट पर, फेज विस्थापन पर, जो कि स्क्रल केज जो स्लिप रिंग में संभव नहीं था, इसलिए हम इस मोटर को लाए हैं। ठीक है, ओके, बिल्कुल रामलाल भाई मेरे, बने रहिए आप सभी, मैं जरूर आपको ऐसे ऐसे ही चीजें पढ़ाऊंगा जो हमने नहीं देखी। आजकल अपने पेपर में सराज मोटर का क्वेश्चन आने लग गया है, और इसके छोटे छोटे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा। आ जाइए टॉपिक पर, ये तीसरी वाइंडिंग हो गई ना कंप्लीट। अब इस तीसरी वाइंडिंग के बाद में क्या होता है कि यहाँ पर एक और वाइंडिंग भी होगी जो आपको देखने को मिलेगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, वैसे ये मोटर इंडक्शन मोटर तो है ही, इन्वर्टेड पॉलीफेज इंडक्शन मोटर है, लेकिन वैसे ये मोटर कम्यूटेटर मोटर की श्रेणी में भी आती है, याद रखिएगा।
कम्यूटेटर मोटर की श्रेणी में भी आती है क्योंकि इस मोटर में कम्यूटेटर होता है। तो अब मैं सबसे पहले बाहरी साइड में कम्यूटेटर ही बना रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आगे लेना पड़ेगा, ठीक है। उसमें होता है दोनों ओर के जो एंड प्लेट होती है ना, उस एंड प्लेट पर होते हैं, ओके। और ये जो है, ये कंप्लीट टोटल आपको जितना भी दिख रहा है, ये दोनों ओर कम्यूटेटर होता है, ठीक है, यहां से ऐसे। और कम्यूटेटर पर सेगमेंट भी होते हैं। मैं कंप्लीट बनाऊं क्या, या आप लोग समझ जाओगे? मैं थोड़े बड़े बड़े बना देता हूँ, समझ जाना, ठीक है। इतने दूर होते नहीं है वैसे, भाई कम्यूटेटर सेगमेंट तो जानते ही होंगे ना, इतने बड़े बड़े तो नहीं होते, थोड़े नजदीक नजदीक होते हैं। पर अपन बना देते हैं जल्दी जल्दी में, संरचना पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा, उसके बाद में हमें कार्य प्रणाली भी तो पढ़नी है, अकेले कंस्ट्रक्शन से कुछ नहीं होता है ना। हाँ, अब जल्दबाजी में यही प्रॉब्लम है, ये लाइनें बाहर निकलेगी, कोई बात नहीं, सारा समझदार हो समझ जाओगे, है ना। सब इंटेलिजेंट हो, सब समझदार हो, और सबके सब स्वार्थी भी हो, है ना, क्योंकि लाइक वाला बटन तक नहीं दबता है। आ जाओ, हो गई तैयार मोटर। अब क्या होता है कि यहाँ जब हम लोग देखेंगे ना, तो आपको 120 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट, 120 डिग्री फेज विस्थापन, वैद्युतिक रूप की बात कर रहा हूं मैं, वैद्युतिक रूप से 120 डिग्री के फेज अंतर पर आपको यहां पर तीन वाइंडिंग भी देखने को मिलेगी। दोस्तों, इन तीनों वाइंडिंग को हम फेज बाउंड भी बोल सकते हैं, यानी जिस तरह से स्टेटर पर होती थी, ये भी स्टेटर पर ही है। मैं कंप्लीट डिटेल बताऊंगा, बस देखते रहिए। और यहां पर तीसरी वाइंडिंग, ठीक है। और ये जो तीनों होती है ना, ये कम्यूटेटर के साथ ही जुड़ी रहेगी। अब एक एक करके मैं लिखता हूं बोर्ड पर, तभी समझ आएगा, डिटेल से देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इस चीज को तो मैं अंदर ही खत्म कर देता हूं, यहीं से। ये तो है रोटर की शाफ्ट, तो ज्यादा इस पर ध्यान देने की तो जरूरत है नहीं, ठीक है। ये है तीन स्लिपरिंग, जहां पर तीन ब्रश भी आपको लगे हुए दिखाई देंगे, जिनके थ्रू हम सबसे पहले तीन फेज की सप्लाई देंगे और रोटर एक रोटेटिंग फील्ड का निर्माण करेगा। तो मैं इसको यहां से दर्शाता हूं, ठीक है। ये क्या है, थ्री सेट ऑफ स्लिप रिंग, राइट। अरे समझ गया होगा, नहीं है, हाँ, स्लिप रिंग के तीन सेट हैं जिनके थ्रू हम सप्लाई देने जा रहे हैं, कोई बात नहीं। आ जाओ पॉइंट नंबर दो, ये जो आपको दिखाई दे रही ना, सबसे सबसे इम्पोर्टेंट यही है भाई, मेन सबसे पहले यही है, और इसको हम लोग बोल सकते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है भाई। इंडक्शन मोटर का प्रकार है तो प्राइमरी सेकेंडरी होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, वैसा ही सिद्धांत होगा जैसा ट्रांसफार्मर का है। फर्क इतना भाई, ये क्या है, एक चरण में बताऊं आपको, ये वो है, एक ट्रांसफार्मर था प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग वाला, जिसमें हमने इनपुट आउटपुट के टर्मिनल चेंज कर दिए, बस और कुछ नहीं किया। तो जो साधारण है, मान लीजिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर था, तो ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में सप्लाई के सिरे बदले हुए हैं और कुछ नहीं है ज्यादा। हालांकि इंप्रूवमेंट तो है, क्योंकि दो वाइंडिंग होती है मोस्टली, इसमें कितने हैं, तीन, ओके। आ जाओ, दो बातें होगी ना। देखो, ये जो तीसरी वाइंडिंग आपको दिखाई दे रही है, इस वाइंडिंग के चार नाम है भाई, जो याद रह जाए बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले इस मोटर की, या मेन जो नाम है ना, वो है इसका टर्सियरी वाइंडिंग, ठीक है, इसी को याद रखें। जब मैं पूरी डिटेल से इसकी थ्योरी लिखेंगे तो चारों नाम अपन लिखेंगे, यानी टर्सियरी वाइंडिंग बोल सकते हैं, ऑक्सिलरी वाइंडिंग इसको बोल सकते हैं, रेगुलेटिंग वाइंडिंग बोल सकते हैं, और कम्यूटेटिंग वाइंडिंग भी बोल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये वाइंडिंग रोटर स्लॉट के ऊपरी खांचे पर होती है, रोटर स्लॉट के निचले खांचे या मेन भाग में ये वाइंडिंग थी, जिसको हम प्राइमरी वाइंडिंग बोल रहे हैं। रोटर स्लॉट के ऊपरी हिस्से में ये टर्सियरी वाइंडिंग है, और ये बाहरी सिरे में, यानी कि कम्यूटेटरों के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ इस वाइंडिंग के प्रत्येक सिरे कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ है, यानी कि ठीक वैसे ही बिहेव कर रही है जैसे आर्मेचर वाइंडिंग कम्यूटेटर के साथ जुड़ी होती है। याद आया क्या, डीसी मोटर का
यानी ये संरचना डीसी मोटर की हो गई एक तरह से, टर्शियरी वाइंडिंग बोलो या कम्यूटेटिव वाइंडिंग बोलो, वो रोटर पर इंस्टॉल होती है, कम्यूटेटर के साथ कनेक्टेड होती है, याद रखिएगा, बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। अरे बस करो भाई, एक ही एक कमेंट आ रहा है विजय कि आपने सारी वीडियो डाउनलोड कर रखी है, अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि प्लीज आप वीडियो को डाउनलोड करके ना देखें, जब जरूरत पड़े तो चैनल पर आकर ही देख लिया करो, क्योंकि 1.5 GB नेट मिलता है भाई, खर्च नहीं होता होगा अगर पढ़ाई में करते हो तो, ठीक है। तो यही आकर देखा करो, थोड़े से व्यूज मुझे भी मिल जाएंगे, वीडियो पर 200-400-500 व्यूज एक्स्ट्रा आ जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो डाउनलोड करके मत देखा करो, सीधे देख लिया करो, आ जाओ, बहुत है बस, बार बार कमेंट मत किया करो एक ही चीज का। देखो ये टर्शियरी वाइंडिंग इस कम्यूटेटर से जुड़ी हुई है, और ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं, ये जो 120 डिग्री पर आपको दिखाई दे रही है, ये तीनों वाइंडिंग स्टेटर पर होती है, राइट, स्टेटर पर होती है, लेकिन ये तीन ब्रूसों के सेट के साथ जो कि मूवेबल है, याद रखिएगा, जो कि मूवेबल है, घूमने योग्य है, एडजस्टेबल होते हैं, और कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ जुड़ी होती है, यानी यहां से निकल करके यहां मान लीजिए अपन जोड़ करके दिखा देते हैं, ठीक है, और इसको भी मान लीजिए कि यहां से निकल करके यहां जोड़ते हुए मैं दिखा देता हूं, राइट, और मान लीजिए कि ये ए वाइंडिंग है, तो इसके A1 और A2 ये दो ब्रूस हो गए, इसी तरह से इसको दिखा देते हैं भाई, मान लीजिए कि यहां जुड़ेगा और यहां जुड़ेगा, ठीक है, बी वाइंडिंग मानते हैं, तो मान लीजिए कि ये होगा आपका B2 B1, ठीक है, क्योंकि A1 से B1 का 120 डिग्री, A2 से B2 का 120 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, जितना कम्यूटेटर पिच यहां है उतनी कम्यूटेटर पिच यहां, उतनी कम्यूटेटर पिच यहां बराबर होनी चाहिए, तो इसको भी जोड़ देते हैं इसी तरह से, और इसको भी जोड़ देते हैं, और इनमें से मान लीजिए कि हम इसको कह देते हैं C1 और ये है C2, ठीक है, बस हो गया सारा, याद रह जाएगा ना, संरचना इतनी है, दोबारा सुन लो, रोटर पर, रोटर स्लॉट के मेन भाग पर प्राइमरी वाइंडिंग, जिसको तीन स्लिप रिंग और ब्रूसेज के सेट के माध्यम से हम सप्लाई देंगे, वो एक सिंक्रोनस चुंबकीय क्षेत्र, रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र होगा, रोटर के ऊपरी स्लॉट पर कम्यूटेटिंग वाइंडिंग होगी जो कम्यूटेटर सेगमेंट्स के साथ जुड़ी हुई रहेगी, याद रखिएगा रोटर की ये दोनों वाइंडिंग आपस में म्यूचुअली कपल्ड होती है, म्यूचुअली कपल्ड मतलब जैसे ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी कपल्ड होती है, वैसे है, इनके बीच में कोई वैद्युतिक कनेक्शन डायरेक्ट नहीं होता है, यानी ये अपना सिंक्रोनस चुंबकीय क्षेत्र घूमने वाला बनाएगा, ये उसका यूज करेगा और EMF उत्पन्न होगा और कुछ नहीं होगा, और उसके बाद में ये वर्क करना स्टार्ट करेगी, तो कैसे करेगी बात में, यानी रोटर पर दो वाइंडिंग होगी, तीसरी वाइंडिंग स्टेटर पर होती है जिसको हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है, स्टेटर पर जो वाइंडिंग है और वो कम्यूटेटर के साथ जुड़ी भी रहती है, बस अब डायग्राम हटा देता हूँ, ठीक है, अच्छा है, जरूर प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे तो ही सीखेंगे, ठीक है, और भाइयों ये लॉकडाउन अब और आगे बढ़ता जा रहा है, तो घर बैठ कर पढ़ते रहो, कब वैकेंसी आएगी पता नहीं, बस कर दिनेश भाई, बहुत है, देख लिया मैंने आपका कमेंट भी, ठीक है, आ जाओ, दोबारा एक बार लिख करके बता दूं तो समझ लीजिएगा सब लोग, रोटर पर प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है, और क्या करेंगे, तीन स्लिप रिंग के माध्यम से 3 फेज सप्लाई देंगे इसको, और ये एक घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करेगा, राइट, घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, सिंक्रोनस गति, यानी घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र होगा और उसकी अपनी एक गति होगी जिसको हम सिंक्रोनस गति कहते हैं। उसके बाद में आता है स्टेटर, तो स्टेटर पर एक वाइंडिंग होती है जिसको हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं, और ये तीन ब्रूस सेट के साथ कम्यूटेटर से कनेक्ट होती है, राइट,
उसके बाद में आती है टर्शियरी वाइंडिंग, और टर्शियरी वाइंडिंग रोटर स्लॉट पर होती है, ठीक है, स्थापना रोटर स्लॉट पर होती है और कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ कनेक्ट होती है, और प्राइमरी वाइंडिंग के साथ ये म्यूचुअली कनेक्टेड होती है, ठीक है, म्यूचुअल समझ रहे हो ना, वैद्युतिक कनेक्शन नहीं होगा कोई भी इस पर, बस इतना सही है और कुछ भी नहीं है। अब आ जाओ कार्य प्रणाली पर। देखो सबसे पहले जैसे ही रोटर को सप्लाई देंगे, मेन फ्रीक्वेंसी के साथ, है ना, मैं यहाँ फ्रीक्वेंसी को बहुत महत्व दे रहा हूँ, ध्यान से समझना क्यों दे रहा हूँ, कारण है रोटर को सप्लाई देंगे मेन फ्रीक्वेंसी के साथ, वो अपना एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इस घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र से उसी रोटर स्लॉट में, ध्यान से समझिएगा, उसी रोटर स्लॉट में जो कम्यूटेटिंग वाइंडिंग थी, रेगुलेटिंग वाइंडिंग थी, एक ईएमएफ उत्पन्न करेगी, क्योंकि चुंबकीय बल है भाई, टर्शियरी वाइंडिंग चालक का काम कर रही है, चुंबकीय क्षेत्र भी है और वो गतिमान भी है, तो फिर हड्डी का प्रेरण नियम तो लागू होगा ही ना। टर्शियरी वाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न हुआ, टर्शियरी वाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न हुआ तो वो गया कम्यूटेटरों पर, कम्यूटेटर के साथ स्टेटर की वाइंडिंग भी जुड़ी हुई थी, स्टेटर वाइंडिंग ने चुंबकीय क्षेत्र बनाना शुरू कर दिया, स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र, रोटर का चुंबकीय क्षेत्र लेंज के नियम का पालन करते हैं और एक दूसरे का अपोज करते हैं, फलस्वरूप रोटर घूर्णन करने लग जाता है, जिस गति पर घूर्णन करता है उसी का नाम रोटर गति है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर सिंक्रोनस गति रोटर की होती है, यहाँ पर रोटर गति भी रोटर की ही होती है, लेकिन फर्क क्या है, फर्क ये है कि सिंक्रोनस गति वो है जिस पर रोटर का घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र बनता है, और रोटर गति वह है जिस पर रोटर एक्चुअल में गतिमान होता है। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग समझ गए होंगे, और भाई जैसा कि हम सभी जानते हैं, जैसे ही दोनों गति आ जाएगी तो इंडक्शन मोटर का प्रकार है, ये रोटर गति कभी इसके बराबर नहीं हो सकती, जब रोटर गति बराबर नहीं होगी इसका मतलब अब कहीं ना कहीं स्लिप गति भी आ गई, कहां पर आई होगी भाई मेरे, ये स्लिप गति कहते हैं कि एयर गैप में आ गई, फिर रोटर घूमा उसके साथ टर्शियरी वाइंडिंग तो घूमने लग गई ना, एयर गैप कहां पर था, स्टेटर और रोटर के बीच में, अब स्टेटर और रोटर के बीच में जैसे ही एयर गैप आता है तो ध्यान दीजिएगा, इस एयर गैप के कारण जो स्टेटर चालक थे उनमें भी ईएमएफ उत्पन्न होगा, समझे कि नहीं, स्टेटर चालकों में भी ईएमएफ उत्पन्न होगा, और ये ईएमएफ जो होगा ये हमेशा हमेशा स्लिप गति का ही होगा, और स्लिप गति के साथ ही इसकी मेन फ्रीक्वेंसी भी नहीं होगी, इसकी अपनी एक स्लिप फ्रीक्वेंसी होगी, समझ रहे होंगे, ओके। नहीं अंतर तो आएगा रामलाल मेरे भाई, क्या करे, स्लिप नहीं होती, डिफरेंस तो आएगा ही आएगा भाई, अपोज किसी चीज का कर रहे हैं तो रोटर उस गति पर कभी गतिमान हो ही नहीं सकता, और अब जो स्टेटर में स्लिप फ्रीक्वेंसी आएगी ना वो वैसे ही निकलेगी स्लिप इनटू फ्रीक्वेंसी से, जैसे हम लोग रोटर फ्रीक्वेंसी निकालते थे, यानी स्टेटर चालकों के लिए एक फ्रीक्वेंसी आ गई थी, स्टेटर में एक ईएमएफ आ गया जो स्लिप इनटू फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग है, मोटर अपना काम करती जा रही है, सिंपल संरचना और कार्य प्रणाली इतनी होती है। अब बात यह आती है कि इस मोटर में स्पीड कंट्रोल और पावर फैक्टर कैसे करें, तो वो जो होता है ना वो होता है दोनों ब्रूसों के बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट पर, दोनों क्या स्टेटर वाइंडिंग के ब्रूस सेटों के बीच में, एक ही वाइंडिंग के जो दोनों ब्रूस थे उनके बीच की बात कर रहे हैं हम लोग, होगा क्या, ध्यान से देखिएगा कि कहते हैं कि बैक साइड में एक फ्लाई व्हील टाइप का लगा रहता है और वो व्हील ही इनको एडजस्ट या मूव करता है, तीनों वाइंडिंग के छह ब्रूस एक साथ पोजीशन बदलते हैं, ए वाइंडिंग वाले जैसे बदलते हैं वैसे बी वाइंडिंग वाले, वैसे ही सी वाइंडिंग वाले बदलते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि हम कम्यूटेटर को इस तरह से लेते हैं,
ठीक है। और मान लीजिए कि जो स्टेटर की मेन वाइंडिंग थी एक वाइंडिंग, उनको हम किसी समय एक ही ब्रश के साथ जोड़ देते हैं, ए और बी, मान लीजिए ए वन और ए टू दोनों एक ही पोजीशन पर ले आते हैं, तो ऐसे समय में ये वाइंडिंग शॉर्ट होगी एक तरह से, और अब इस वाइंडिंग का कोई चुंबकीय क्षेत्र है नहीं, रोटर जो स्टार्ट हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ टर्शियरी वाइंडिंग की वजह से हुआ था और उसी वाइंडिंग की वजह से चलता जा रहा है, तो कहते हैं कि ऐसे समय में रोटर गति थोड़ी सी अधिक हो जाती है, लगभग सिंक्रोनस गति के करीब पहुंच जाती है, इसलिए इस अवस्था को सिंक्रोनस गति या सिंक्रोनस कंडीशन भी बोल सकते हैं। इतनी हाई स्पीड पहुंच जाएगी इस समय, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही हम उसे व्हील को एडजस्ट करते हैं, और मान लीजिए कि दोनों ब्रशों को एक कम्यूटेटर सेगमेंट की दूरी से लगा देते हैं, तो अब ये वाइंडिंग सक्रिय हो जाती है, और जैसे ही ये सक्रिय होगी तो अब स्लिप आएगी, अब स्लिप आएगी तो जो रोटर की वास्तविक गति थी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, यानी इस कंडीशन को कहते हैं सिंक्रोनस पोजिशन, इस पोजिशन को बोलते हैं सब सिंक्रोनस, यानी सिंक्रोनस से थोड़ा सा कम। अब कहते हैं कि हम डिस्प्लेसमेंट ऐसा करते गए कि दोनों ब्रशों की पोजीशन ही इंटरचेंज अगर हो गई हो, दोनों ब्रशों की पोजीशन ही इंटरचेंज हो गई हो, तो इस वाइंडिंग का फ्लक्स भी, ध्यान से समझे, इस वाइंडिंग का फ्लक्स भी उसके सहयोगी स्वभाव का होगा, और इस समय रोटर गति जो है वो एन एस से भी अधिक हो जाएगी और मोटर अपर सिंक्रोनस पर चलेगी, या यूं कहें कि सुपर सिंक्रोनस हो जाएगी, ठीक है। सिंक्रोनस गति से भी अधिक गति पर गई है और अब सुपर सिंक्रोनस की श्रेणी में आ गई। बस ये तो था इसका स्पीड कंट्रोल। स्पीड कंट्रोल के साथ ही इसका पावर फैक्टर भी इन्हीं से होता है, ब्रशों की पोजीशन जब चेंज करेंगे ना तो इसी से कंट्रोल इसका पावर फैक्टर होगा, ठीक है। वो कैसे होगा? वो इससे होता है कि यहाँ देखो ब्रशेज का एक्स आएगा कि नहीं, ये एक्स जब स्टेटर वाइंडिंग के एक्स के बराबर आता है तब मैक्सिमम पावर फैक्टर प्राप्त होता है हमें, ठीक है। सिंपल भाषा इतनी है। मोटर की घूमने की दिशा इस बात पर निर्भर करेगी कि रोटर में तीन फेज सप्लाई का फेज सीक्वेंस कैसा है। सेम सिद्धांत है, जैसे जैसे हम लोग फेज सीक्वेंस रोटर का बदल देंगे घूमने की दिशा भी बदल जाएगी। कहते हैं कि मोटर का पावर फैक्टर एडजस्टेबल होता है, हाई स्पीड पर हाई पावर फैक्टर, लो स्पीड पर लो पावर फैक्टर होता है, ठीक है। उपयोग करते हैं किसी इंडिविजुअल लोड के लिए, कोई पर्टिकुलर या व्यक्तिगत भार अगर हो, जैसे क्रेन, होस्ट, कन्वेयर बेल्ट, सेंट्रीफ्यूगल पंप, प्रिंटिंग मशीन, ऐसे सिस्टम में इस मोटर का उपयोग भी करते हैं, ठीक है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही था, उम्मीद करता हूँ टॉपिक पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए। कुछ लोग बाद में जुड़ते हैं तो वो ये पूछते हैं कि ये मोटर एसी है कि डीसी है, जैसे ये देखे भाई पूछ रहे हैं, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि ये मोटर है क्या, ठीक है ना, इसलिए ज़्यादा पूछने की जरूरत नहीं होती। कुछ एक अच्छे क्वेश्चन भी पूछते हैं, जैसे ये ओमदास है, इसने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि DOR कैसे चेंज करेंगे, बहुत बढ़िया बात बताई, बिल्कुल। ये धर्मेंद्र ने जवाब भी दे दिया कि थ्री फेज है तो एसी ही होती होगी, वेरी गुड, है ना। बस उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो को लाइक जरूर कर दोगे, और जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है वो तैयार रहे, कल टेस्ट होगा, बस ठीक है। हाँ बाकी मैंने कमेंट आप सबके देख लिए, इतने ही कमेंट है, बहुत है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद, कर देना वीडियो को लाइक प्लीज।